देखिए हम लोग बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर आपको याद होगा कि इसके पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बात की। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको याद होगा कि हम लोग जो भी इनपुट दिए उस इनपुट को हम लोग फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ओके, इनपुट को फुल्ली यूटिलाइज नहीं करने का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग इनपुट दे रहे थे उस इनपुट का सिर्फ हाफ साइकिल ही यूटिलाइज कर रहे थे। ओके, लेकिन हम लोग उसी डिसएडवांटेजेस को और जितने सारे डिसएडवांटेजेस थे हाफ वेव रेक्टिफायर में, रिपल फैक्टर का ज़्यादा होना, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का कम होना, ओके, तो ये सब सारे डिसएडवांटेजेस को हम लोग इसमें क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे, ओके, या कंपनसेट करेंगे इसमें बाय यूजिंग द फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर में जो हम लोग आउटपुट पाते हैं वो हम लोग दोनों साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग पाते हैं। तो यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर कर क्या रहा है, सिंपल हम लोग रेक्टिफायर के यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। डीसी यानी कि हम लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया था शुरू में इंट्रोडक्शन में कि हम लोग रेक्टिफायर के थ्रू जो एसी को हम लोग कौन से डीसी में बदलते हैं, कौन सा डीसी आता है, एनीवन जस्ट ऐड इन द चैट प्लीज, नो एनीवन, पल्स सेटिंग डीसी, वेरी गुड। तो पल्स सेटिंग डीसी आता है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आ रहा था। ओके, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या कर रहा है, उसको इन्वर्ट करके पॉजिटिव बना दे रहा है। ओके, हाउ, हम लोग देखेंगे। ये अगर मैक्सिमम वैल्यू वीएम है, ओके, तो ये भी वीएम होगा। अगर रेसिस्टिव लोड होगा तो करंट भी हमारा इसी तरह से होगा। हम लोग रेसिस्टिव लोड के लिए ही बात करते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वीएम बाई आरएल। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस लोड है हमारा जो है वो आरएल होता। ओके, दिस वन नाउ, तो यहाँ पे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बात की है ना। फुल वेव रेक्टिफायर क्या किया, वो इन्वर्ट कर दिया, रेक्टिफाई किया। ओके, जो नेगेटिव हाफ साइकिल में इनपुट दे रहे हैं उसको इन्वर्ट करके यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज और यूनिडायरेक्शनल करंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, दैट इज द पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी ऑफ वोल्टेज, पल्सेटिंग डीसी ऑफ करंट, देन हाउ इट इज ऑब्टेंड। तो हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज द सेंटर टैप्ड, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर जिसका सर्किट बना हुआ है आपके पास, एंड सेकेंड वन जो है ब्रिज टैप फुल वेव रेक्टिफायर, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे है ना, कि बेसिकली हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला सेंटर टैप, अंदर वन इज द ब्रिज टैप। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी जो करेंगे वो हम लोग सेंटर टैप का पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रिज टैप का करेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम टिल टाइम है ना। तो हम लोग भी सेंटर टैप का हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखो सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में नाम ही इसका सेंटर टैप्ड। ओके, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर हैविंग सेंटर टैप्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें सबसे पहले क्या होगा। ओके, सेंटर टैपिंग करने का मतलब कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से टैपिंग किया हुआ है। टैपिंग यानी कि वहां से एक टर्मिनल निकालना। जब ट्रांसफार्मर आप स्टडी करेंगे या एक कॉइल को स्टडी करेंगे, ओके, तो वहां हम लोग टैपिंग करते हैं इस तरह, ये टैपिंग किया हुआ, जिससे कनेक्ट करना है कनेक्ट कर दिए, ये टैपिंग हो गया। टैपिंग हम लोग करते हैं जस्ट ओनली टू वैरी द वोल्टेज। ओके, वोल्टेज को वैरी करवाने के लिए। तो यहाँ पे सेंटर टैप्ड है यानी कि ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज तो करेंगे। ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जस्ट टेल मी। ऑफकोर्स ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जिसमें सेकेंडरी के बीच में जो हम लोग टैपिंग कर रहे हैं और जिसके अक्रॉस हमने मान लिया कि यहाँ पे वी एस वोल्टेज है और यहाँ पे वी एस वोल्टेज। गॉट इट। इसके साथ साथ इसके कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है दो डायोड है, डी वन और डी टू। ओके, अब इस डी वन और डी टू का जो एक कॉमन पॉइंट है, जो इसका कौन सा कॉमन पॉइंट है, कैथोड का या एनोड का। डी वन और डी टू का जो कॉमन पॉइंट है वो कैथोड है या एनोड है, कैथोड है एनोड है, अमर ज्योति कैथोड है ना, ए बी सी याद रखिए भाई, दिस इज नॉट गुड, ए बी सी मैंने यही पढ़ा है ना भाई, पॉजिटिव कहाँ है, ये देखो कॉमन पॉइंट यहाँ है, ये ना आपस में कनेक्टेड है इस पॉइंट पे,
कैथोड ना, गॉट इट? तो ये कैथोड हो गया, ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे जो कैथोड्स है दोनों को एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं और उसी से लोड को कनेक्ट करके इसको सेंटर में टैपिंग कर दी। यानी कि लोड जो है आपका दोनों डायोड के कैथोड के कॉमन पॉइंट और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से टैपिंग करके हम लोग दोनों के बीच में लोड को कनेक्ट कर दी। यहाँ हम लोग लोड जो है, हम लोग यहाँ पे लोड जो कंसीडर कर रहे हैं वो रेसिस्टिव लोड कंसीडर कर रहे हैं, सो डैट कि हम लोग को समझने में आसानी ना। अगर हम लोग इसका ऑपरेशन करें, ओके ऑपरेशन यानी कि इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करें किस तरह से ऑपरेशन होता है उसकी बात करें, तो यहाँ पे दो साइकिल आ रहा है ना, एक पॉजिटिव साइकिल एक निगेटिव साइकिल, ये जीरो ये वन साइकिल है यहाँ पे टी, ये थ्री बाई टू, ये थ्री टी बाई टू और ये टू टी, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? ओके जो हम लोग टाइम लिख रहे हैं थ्री बाई टू टी, थ्री टी बाई टू टू टी है ना, वन कंप्लीट साइकिल को जो कंप्लीट करने में लग रहा है, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, जो ड्यूरेशन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जिसको हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। ओके नाउ अब यहाँ पे हम लोग दोनों केस लेंगे और हमारा यहाँ पे डायोड है, तो आपको याद होगा अगर डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट ऑन या ओपन सर्किट ऑफ? फॉरवर्ड बायस करेंगे तो डायोड शॉर्ट सर्किट ऑन, वेरी गुड, और रिवर्स बायस करेंगे तो ये ओपन सर्किट और ऑफ। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखते हैं, है ना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि जीरो लेस देन इक्वल टू टी लेस देन टी बाई टू। अब सोचो जब ये पॉजिटिव ही दिखाया हुआ है तो पॉजिटिव इसके नोड से कनेक्टेड है, लेकिन टी वन क्या होगा, टी वन फॉरवर्ड बायस होगा, टेल मी होगा, एक ही टर्मिनल देखो ना अभी, ओके यहाँ देखो माइनस से कनेक्टेड है, डी टू क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अब अभी इसका हम लोग सर्किट बनाए तो ये शॉर्ट सर्किट, ये वी एस प्लस माइनस, ये लोड आर एल, इसके क्रॉस वोल्टेज वी नॉट करेंट आई नॉट, फिर वी एस प्लस माइनस, ये ओपन सर्किट दिस वन, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर लोग डायोड को कैसा मान के हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, आइडियल, ओके अगर रियल मानेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग रेसिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, है ना, यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टेल मी देना, डी वन पावर बायस है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम लोग इसके यहाँ देखो इस सर्किट में घूम जाओ, माइनस वी एस प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वी नॉट इक्वल टू क्या रहा है, वी एस आ रहा है, ओके यानी कि जैसे से वी एस वेरी करेगा वैसे से वी नॉट वेरी करेगा, है ना, और आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर एल, तो जैसे से वी नॉट वेरी कर रहा है सिर्फ उसमें आर एल से डिवाइड कर देंगे वैसे से हमारा ये वेरी करेगा, यानी कि जो वी नॉट का वेव शेप होगा सेम सेम वेव शेप किसका होगा, आई नॉट का, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं नवी नो प्रॉब्लम, यानी कि इस साइकिल के लिए कौन सा डायोड कंडक्ट हो रहा है, डी वन, डी टू कंडक्ट नहीं हो रहा है ना, डी टू कंडक्ट नहीं हो रहा है। अब निगेटिव हाफ साइकिल, तो निगेटिव हाफ साइकिल यानी कि इस साइकिल में, अब निगेटिव हाफ साइकिल यानी कि ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ए है ना, ओके अब ये देखो ये माइनस से कनेक्टेड है तो ओपन सर्किट रिवर्स बायस, ओके ये माइनस से कनेक्टेड है और ये प्लस से कनेक्टेड है शॉर्ट सर्किट, यानी कि डी टू आपका फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ हम लोग इधर से घूमेंगे माइनस वी एस प्लस वी नॉट, वी नॉट इक्वल टू वी एस अगेन दिख रहा है, ओके तो वी नॉट इक्वल टू वी एस और आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर एल, बट यहाँ पे कौन सा डायोड कंडक्ट हो रहा है, डी टू, ये यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, ये साइकिल क्या होगा रिपीट होती चला जाएगा, इस तरह से हमारा क्या आ गया, पल्सेटिंग डीसी, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ हम लोग अगर यहाँ जो है डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज को फाइंड आउट करने का कोशिश करें, वेवफॉर्म तो आपको दिख गया,
अब हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज को फाइंड आउट करने कोशिश करें, यानी कि हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि कोई भी डायोड जो है, ओके, कोई भी डायोड जो है रिवर्स बायस हम लोग कर रहे हैं, ओके, या रिवर्स बायस कंडीशन में उस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, यही ना, रिवर्स बायस में जो है वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज टॉलरेट करेगा, डेट इज पी आई भी, ठीक है ना भाई, टेल मी, आपका साथ हमको हमेशा चाहिए, लिखो, एक्टिव रहिए, ओके। अब देखो इसी कंडीशन में सपोज, ओके, यानी कि ये जो हमारा रिवर्स बायस है इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, ये देखो मैं इधर से हम लोग घूम रहे हैं, तो माइनस वी एस, 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 ओके, और ये प्लस माइनस यहाँ पे मान लेते हैं, ओके, भी मान ली है ना, ओके, सॉरी रिवर्स बायस है ना, माइनस प्लस, रिवर्स बायस, भी मान ली, तो यहाँ से माइनस वी एस, फिर यहाँ माइनस पोलैरिटी मिला माइनस वी एस, फिर यहाँ से प्लस वी इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल टू व्हाट, टू वी एस आ रहा है, या पैसे भी घूम जाओ, यहाँ से भी, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ओके, आप ऐसे भी घूम जाओ, माइनस वी एस प्लस वी नॉट प्लस वी इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल टू वी एस प्लस वी नॉट, अब वी नॉट का वैल्यू क्या है, वी एस के बराबर, तो टू वी एस हो गया, टेल मी, हो गया ना भाई, अब पी आई भी क्या है, पी आई भी जो है इस वी का मैक्सिमम वैल्यू, इस वी का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि वी एस का मैक्सिमम वैल्यू, तो वी एस का मैक्सिमम वैल्यू कितना, यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये वी एस का मैक्सिमम वैल्यू वी एम, तो ये टू वी एम हो गया, क्लियर है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये, ओके, इन द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ओके, पी आई वी ऑफ एनी डायोड, ओके, दैट इज जस्ट ओनली द टू टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज टू टाइम्स ऑफ, ओके, देन आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, नहीं ना, नो, ओके, तो ये हुआ हमारा सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, ब्रिज टैप फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे, दोनों का एनालिसिस लमसम सेम है, ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर का मैंने आपको डिटेल में दिखाया था, यहाँ पे आप देखो, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, और इसका सर्किट डायग्राम जल्दी जल्दी बना लेते हैं, ये इसका सर्किट डायग्राम होगा, डी वन डी टू डी थ्री डी फोर, ओके, आप यहाँ देख सकते हैं जी, यहाँ से यहाँ तक वी एस प्लस माइनस, और ये इनपुट वोल्टेज दिए हम लोग वी इन, ओके, यहाँ पे जो वी एस है सेम है वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ओके, सेम सिर्फ सर्किट देखेंगे, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है फुल वेव रेक्टिफायर का विथ द ब्रिज टाइप, यानी कि ब्रिज, ये लोड को ब्रिज करते हुए लोड के थ्रू ही करंट फ्लो करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका सेंटर टाइप में दो डायोड है, यहाँ पे चार डायोड है,
गॉट इट। सेंटर टैप में जो है आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का जरूरत है, यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसफार्मर का जरूरत है ना। यहाँ पे जो फोर डायोड्स है वो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमेशा दो डायोड कंडक्ट हो, और चूंकि लोड को ब्रीज करते हुए आपको समझना होगा कि हम लोग सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो लोड को हमेशा ब्रीज करते हुए जो है यहाँ पे हम लोग सर्किट बनाते हैं और हमेशा दो डायोड। तो सोचो अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात करें, देखिए हम लोग सर्किट भी कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आ जाएगा आपको। पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि जीरो लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू टी बाई टू इसमें, ओके इसमें। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया है ना, पॉजिटिव के साथ डी वन फॉरवर्ड बायस, तो आपको लोड के थ्रू चलना है। ये देखो यहाँ से हम लोग चल दिए क्योंकि अब डी वन फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ओके। यहाँ देखेंगे वी एस और डी टू हमारा जो है ये डी, अब इधर से इसको ब्रिज करते हुए जाना, आप इधर से भी नहीं जा सकते इधर से भी नहीं जा सकते, ओके। तो डायोड जो हम लोग ऐसा बनाते हैं ऐसा, यानी कि ये करंट का डायरेक्शन ऑलवेज जो इधर से ही फ्लो करेगा फॉरवर्ड बायस, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह का एरो बनाए हुए, पार्टी समझ रहे ना इस चीज को, ओके। तो यहाँ पे ये जब इसके थ्रू जा रहा है लोड को ब्रिज करके जाना है तो ये इसके थ्रू आएगा, यानी कि डायोड का कनेक्शन यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था, गॉट इट। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में डायोड का कनेक्शन इस तरह से होना चाहिए था, ओके। इसमें डी वन फॉरवर्ड बायस होगा और साथ साथ डी टू फॉरवर्ड बायस होगा, और ये दोनों कंडक्ट नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव के साथ देखो कैथोड जुड़ा हुआ है और नेगेटिव के साथ एनोड जुड़ा हुआ है, तो दोनों आपका क्या हो गया डी थ्री और डी फोर आपका क्या हो गया रिवर्स बायस, नहीं टेल मी, नहीं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस यानी कि ओपन सर्किट, यानी कि यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट ये ओपन सर्किट ये आर एल प्लस माइनस वी नोड आई नोड, यही है कहानी नहीं है, ये डी वन और ये डी टू, इसमें कौन कंडक्ट हो रहा है डी वन डी टू, ओके। तो डी वन डी टू कंडक्ट हो रहा है, तब यहां से देखो माइनस वी एस यहां से चल रहे हैं प्लस वी नोट माइनस वी एस प्लस वी नोट इक्वल टू जीरो, देन वी नोट इक्वल टू वी एस, ओके। और क्योंकि यहाँ पे आई नोट निकालेंगे तो आई नोट इक्वल टू वी एस वाई आर एल सेम सेम, बट यहाँ पे दो डायोड एक साथ कंडक्ट हो रहे हैं। अब अगर आप निगेटिव करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल यानी कि टी बाई टू से लेस देन टी, निगेटिव हाफ साइकिल देखो अब ये निगेटिव होगी, निगेटिव ये निगेटिव होगी, ओके। तब करंट का डायरेक्शन किधर से होगा, तो निगेटिव इससे कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस है ना, और ये क्या होगा डी वन रिवर्स बायस, तो डी वन रिवर्स बायस, पॉजिटिव से ये डी टू भी कनेक्टेड है कैथोड से तो ये भी रिवर्स बायस, ये कैसा होगा ओपन सर्किट, क्लियर है टेल मी, ओके। ये निगेटिव इसका जो है कैथोड से जुड़ा हुआ है तो ये शॉर्ट सर्किट डी थ्री डी फोर फॉरवर्ड बायस है, ये शॉर्ट सर्किट है ना, ये कनेक्टेड हो जाएगा ये ओपन, ये कनेक्टेड हो जाएगा ये ओपन, ये डी थ्री डी फोर कंडक्ट होगा, गॉट इट। दिस वन दिख रहा है आपको है ना, ओके। यहाँ पे इस तरह से जो है सॉरी कैंट के डायरेक्शन उल्टा बना लिया, ये माइनस है ना ये प्लस, इधर से कैंट थ्रो करेगा क्योंकि इसके थ्रू ऐसे करके कैंट थ्रो करेगा ऐसे करके ये डायोड इधर है, डायोड हमेशा इधर से कैंट कंडक्ट करेगा ये इधर से, तो फिर हम लोग फ्री करेंगे माइनस वी एस प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो, आई नॉट सेम आ गया, इसमें कौन सा डायोड कंडक्ट हो रहा है
जी, ये साइकिल हमारा चलते रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग डायोड का, डायोड के अक्रॉस जो TIB निकालते हैं, इस केस में निकाल सकते हैं, पहले वाले केस में निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ से यहाँ हम लोग को चलना, तो सोचो यहाँ से यहाँ, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये भी शॉर्ट सर्किट, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो जो इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा। समझ आ रहा है? जो इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ हटा दो, ये हटा दो, तो वही इसके क्रॉस होगा। वही देखो यहाँ पे भी है, वही इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस। तो जो D1 के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए और D2 के क्रॉस, वो आपका लोड के क्रॉस भी मैक्सिमम वोल्टेज होगा। तो लोड के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि V0, तो V0 का मैक्सिमम कितना होगा, जो VS का मैक्सिमम होगा। अब VS का मैक्सिमम कितना है, VM। यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, टेल मी, पीक इनवर्स वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, VM के जैसे, है ना। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा सेंटर टैप फुलवेव रेक्टिफायर में जो है, जो पीक इनवर्स वोल्टेज था वो VM के बराबर था, और यहाँ पे VM के बराबर। क्लियर है ना? अब दोनों में हमारा बस यहाँ पे डिफरेंस यही पे था कि पीक इनवर्स वोल्टेज, बाकी जब एनालिसिस अब करेंगे अभी इसका, तो दोनों का सेम ही है, ऑपरेशन दोनों का समझ में आ रहा है, दोनों का ऑपरेशन समझ में आ रहा है ना। अब इसका एनालिसिस करते हैं ऑफ FWR, ओके। तो पहला पीक इनवर्स वोल्टेज आपको याद होगा, सेंटर टैप में जो है 2 VM और ब्रिज टैप में VM, याद है ना। लाइफ ही मेरा खराब, ओके। तो सेंटर टैप में जो PIV 2 VM और ब्रिज टैप में VM, पीक करंट। जिस तरह से हम लोग हाफ वेव में एक्सप्रेशन किए थे, इसमें भी हाफ एक्सप्रेशन एनालिसिस सेम करेंगे, है ना। यहाँ पे अगर पीक करंट निकालेंगे IM, IM पीक करंट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज बाय लोड रेसिस्टेंस, क्लियर है, पीक करंट, ओके। अब सोचो अगर सेंटर टैप में जो है एक समय में कितना डायोड कंडक्ट हो रहा था, एक समय में कितना डायोड कंडक्ट हो रहा है, सेंटर टैप में 2, सेंटर टैप 1, ब्रिज में ना 2, ओके, ब्रिज में 2, ओके। तो अगर हम लोग डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस देखो ना यहाँ पे एक टैप, तो डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कंसीडर करें तो VM/RA+RB, किसके केस में, सेंटर टैप के केस में। वही ब्रिज टैप में कितना हो जाएगा, VM/RA, इसमें एक बार में 2 डायोड कंडक्ट हो रहा है, तो 2RF इसमें ब्रिज टैप में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एवरेज करंट अगर निकालेंगे जिस तरह से हम लोग वहां पे निकाले हैं, तो यहाँ पे भी निकालेंगे, एवरेज करंट कितना होगा, 2 IM/π। आपको याद होगा उसमें कितना था, हाफ वेव में IM/π था, यहाँ पे 2 IM/π नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं ना भाई, एवरेज करंट निकल गया, एवरेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VAB = IAB × RL, ओके, हाँ वेरी गुड, ओके। अगर हम लोग RMS आउटपुट करेंट करेंगे, ये फुल वेव है हमारा, ओके, तो लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है RMS जो निकलेगा हमारा, वो आएगा IM/√2। आप निकालेंगे जैसे मैंने हाफ वेव में निकाला वैसे ही सेम सेम, ओके। तो उसी तरह अगर RMS आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो IM/√2 × RL, ओके।
क्लियर है? अगर फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? फॉर्म फैक्टर Qf, यानी कि RMS बाई एवरेज, नहीं RMS आगे IM बाई रूट टू आगे 2IM बाई पाई, ये है ना भाई? टेल मी, यानी कि पाई बाई टू रूट टू यानी कि 1.11। ओके, उसमें कितना आया था? 1.57 पाई बाई टू आया था ना? नहीं, हाफवेव रेक्टिफायर में, तो इसका 1.11 याद रखेंगे। अगर पीक फैक्टर निकालेंगे, सॉरी पीक फैक्टर मैक्सिमम बाई आरएमएस, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आईएम और आरएमएस आईएम बाई रूट टू, तो 1.414 ये पीक फैक्टर हो गया। अगर आप आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कौन बताएंगे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा या नहीं? आउटपुट फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, आधा होगा, दुगना होगा या कुछ और होगा? टू टाइम्स होगा। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर है ना। ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक है ना, नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे और ये उसी में हमारा दो साइकिल हो जा रहा है, ये है ना फ्रीक्वेंसी। इसमें जितना में एक साइकिल हो रहा है उतना में ये दो साइकिल हो जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? टू टाइम्स। ये पूछेगा आप तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। ओके, उसी तरह आप रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकालेंगे, जो आप वहां पे जैसे निकाले यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आएगा 0.812। सेम पैटर्न, बस इन वैल्यू को पुट कर देना, आपके पास फार्मूला वहां पे पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में पता है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में फार्मूला पता है, बस फार्मूला में पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है डिटेल नहीं कर रहे हैं। ओके, डिटेल करने का मतलब नहीं बनता है। रिपल फैक्टर का फार्मूला पता है आप लोग को, मैंने बोला था याद रखने के लिए, मुझे याद है, आपको याद होना चाहिए। पी एफ स्क्वायर माइनस वन मैंने बताया था ना, टेल मी। ओके, तो फॉर्म फैक्टर यहाँ पे कितना आ रहा है? 1.11 होल स्क्वायर माइनस वन, इसका वैल्यू आ गया 0.48। ओके, ये सब वैल्यू आपको याद रखना होगा, 0.48। ओके, ये सेंटर टाइप्ड हो चाहे आपका ब्रिज टाइप हो, सब में सेम है। जो जो हम लोग एक्सप्रेशन अलग अलग नहीं दिए, सब में सेम। ओके, तो ये हो गया रिपल फैक्टर। उसी तरह ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर निकालेंगे तो सेंटर टाइप के लिए 0.812 आपको याद होगा, उसमें आपका आया था 406 हाफ वेव में, 0.406 आया था, इसमें आ रहा है 0.812 सेंटर टाइप के लिए। नहीं, अगर ब्रिज टाइप के लिए निकालेंगे तो ब्रिज टाइप के लिए अलग फार्मूला है। ओके, ब्रिज टाइप के लिए अलग फार्मूला है, अंतिम सब वीडियो एक बार देख लेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो ये आपको पूरा समझ में आएगा। ये सेम है, ये ब्रिज टाइप का एक फार्मूला है। ओके, क्या फार्मूला है भाई? जो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है सेंटर टाइप का, प्लस टू टाइम्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर का। ओके, ये इन दोनों का एवरेज वैल्यू, दिस वन टू। ओके, इसका जो है 0.406 था इंटू टू, इसका 0.812 था डिवाइडेड बाई टू। ओके, जो इसको आप सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आएगा 0.692। ओके, मैं आपको जो एक अलग से टेबल बना के नोट्स में दे दिया हूँ। ओके, कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या है या पार्टिकुलर्स क्या है, उसमें नंबर ऑफ डायोड्स कितना यूटिलाइज करें, मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके, जस्ट सी, डोंट वरी। ओके, अब बताओ हाफ वेव बताएंगे है ना, इसलिए अपना एक्टिव रहिए। नंबर ऑफ डायोड जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना? वन। सेंटर टाइप्ड फुल में भी कितना? टू। ब्रिज में फोर। वेरी गुड। अब हाफ वेव में जो है
ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं भी रहेगा या ब्रिज टाइप में ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट नहीं, सिंपल उन्हें इनपुट वोल्टेज दे देंगे, लेकिन सेंटर टाइप में रिक्वायरमेंट है वोल्टेज को आधा आधा करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, ओके, सेंटर टाइप में एसेंशियल है ट्रांसफार्मर, बट हाफ वेव और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में कोई एसेंशियलिटी नहीं है। एवरेज करेंट हाफ वेव में कितना I m/π? नहीं, और दोनों फुल वेव में 2 I m/π, दोनों में RMS वैल्यू हाफ वेव में I m/2, यही है ना, सही है गलत, मैं झूठ गलत भी बोल दूंगा, मैं बता रहा हूँ, ओके, इसे ध्यान दीजिएगा, हाफ वेव में RMS I m/2, यस और नो, फुल वेव में I m/√2, दोनों में सेम, PIV जो है हाफ वेव में VM सप्लाई वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, और सेंटर टैप में भी सप्लाई वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, नहीं बोलो, 2 VM, वेरी गुड, ओके, और ब्रिज टैप में आपका VM, उसी तरह DC आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे, मैक्सिमम लोड के निकालेंगे, सब दिया हुआ है। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आपको याद रखना होगा, हाफ वेव में 0.406 है ना, ब्रिज टैप में आपका 0.812 और सेंटर टैप में 812, इसी तरह आपका सारा वैल्यू दिया हुआ है ना, इसका साथ 0.862865 होता है, ये याद नहीं आ रहा, 0.2865 होता था क्या, 0.406 तो रिपल का आ रहा था भाई, आपने बताया नहीं, 0.2865 ही होगा है ना, ध्यान से देखिए, ओके, फ्रीक्वेंसी हाफ वेव का जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ब्रिज टाइप का भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये आपका सेंटर टाइप का क्या होगा, 2 times होगा, ओके, क्लियर है। फॉर्म फैक्टर हाफ वेव का 1.57, फुल वेव का 1.11, पीक फैक्टर हाफ वेव का 2, ओके, और फुल वेव का √2, ओके, लास्ट में वोल्टेज रेगुलेशन लिखा है हुआ मैंने, वोल्टेज रेगुलेशन आगे जाके आप पढ़ेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन ये बताता है डिफरेंस इन वोल्टेज, ओके, बस ये याद रख लेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन तो आपको डिटेल में पढ़ना है आगे, यहाँ पे कोई नीड नहीं है, ओके, फार्मूला दिया हुआ है, ओके, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आप निकाल सकते हैं, है ना, आई थिंक नो प्रॉब्लम, फुल वेव रेक्टिफायर नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे